हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद एंडी। आज मैं बनाने वाली हूँ स्वीट डिश जो है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन का मैंने पैकेट लिया है NTR का, जो रेडी मिक्स है। इसमें हम ऐड करेंगे पोटैटो 1, जिसे मैंने बॉयल और मैश किया हुआ है। 4 to 5 टेबल स्पून ऑफ मिल्क लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने मेल्टेड घी लिया है। 4 से 5 मैंने इलायची सीड्स ली है, जिसे मैंने क्रश कर लिया है। ये हम यूज़ करेंगे शुगर सिरप में। सिरप के लिए मैंने लिया है 1 ग्लास वाटर और 70 ग्राम ऑफ शुगर लिया है। तो सबसे पहले हम शुगर सिरप बना लेते हैं। स्मॉल पैन लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे वाटर, अब ऐड करेंगे शुगर, शुगर डिसॉल्व हो जाए इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इलायची। चीनी घुल गई है अच्छे से वाटर में, अब हमें इसमें ऐड करना है इलायची, जिसे मैंने क्रश कर लिया था। इसे हम अब पकने देंगे, जब तक ये स्टिकी ना हो जाए, अच्छे से गाढ़ा ना बन जाए, तब तक हम इसे पकने देते हैं। और अब हम रेडी करते हैं गुलाब जामुन का मिक्सर। एक प्लेट लेंगे, इसमें हम ये गुलाब जामुन का रेडी मिक्स निकाल लेंगे। इसे हम कट कर लेते हैं। दूसरा भी कट कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे, पहले हम पोटैटो को निकाल लेंगे इसमें, इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पोटैटो को भी इसके साथ एकदम अच्छे से मिक्स करना है हमें। इसके बाद हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। हमने पोटैटो को अच्छे से मिक्स कर लिया है गुलाब जामुन के मिक्सर में। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है मिल्क। सबसे पहले हम थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा डो जो हम बनाएंगे वो ज़्यादा भी सॉफ्ट ना हो, इतना हो कि हम अच्छे से गुलाब जामुन रेडी कर सकें, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करेंगे। इसे रेडी करेंगे अच्छे से। इसमें हम थोड़ा सा और ऐड करेंगे, अराउंड 1 टेबल स्पून मिल्क ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून। और इसे अच्छे से सॉफ्ट बनाएंगे। थोड़ा सा हम हैंड में घी लगा लेंगे और इसे अपने हाथों से, हल्के हाथों से इसे एक साथ मिक्स कर लेंगे और एक बार, और हमारा डॉग रेडी हो गया है। गुलाब जामुन डो रेडी हो गया है। चलिए देखते हैं शुगर सिरप हुआ है या नहीं। शुगर सिरप अब रेडी हो गया है। अब ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसे अब बस 1 मिनट तक और पकने देंगे। तब तक हम बॉल्स बना लेते हैं गुलाब जामुन के। अब हमें सबसे पहले हैंड पे थोड़ा सा घी लगा लेना है। इसके बाद हम स्मॉल पोर्शन लेंगे,
और इसकी छोटी छोटी हम बॉल्स बनाएंगे। आपको जितनी बड़ी चाहिए उतनी बड़ी आप बॉल्स बनाइए। घी लगाने से हमारे बॉल्स और एकदम चिकने हो जाएंगे और एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे सभी डो के। हमने गुलाब जामुन के बॉल्स बना लिए हैं, अब हम चाशनी देख लेते हैं। हमारी चाशनी भी रेडी हो गई होगी, अब हम इसे फ्राई करेंगे। हमारी चाशनी हो गई है, अब हम इसे गैस से हटा देंगे और फ्राई करने के लिए हम ले लेंगे। फ्राई करने के लिए अब हम लेंगे पैन, इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल हीट हो जाएगा उसके बाद हम गुलाब जामुन फ्राई करेंगे। ऑयल हीट हो गया है, अब हमें इसमें डालना है गुलाब जामुन के बॉल्स। हमें इसे लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है क्योंकि हमें सिर्फ गोल्डन ब्राउन करना है इसे। हाई पे करेंगे तो ये जल्दी ऊपर से पक जाएगा लेकिन अंदर से नहीं पकेगा। इसे हम थोड़ा थोड़ा सा हिला देंगे अपनी अपनी जगह से ताकि सब जगह से अच्छे से ब्राउन हो जाए। इसे हम लो फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक पकने देते हैं। गुलाब जामुन हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर पे। और इसी तरह हम और गुलाब जामुन जो है उसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे अच्छे से। जो गुलाब जामुन हमारे बन गए हैं, फ्राई हो गए हैं, उसे अब हम सिरप में डाल देते हैं और बाकी के जब फ्राई हो जाएंगे तो वो भी डाल देंगे। सारे गुलाब जामुन को हमने सिरप में डाल दिया है, अब हमें इसे 2 घंटे तक रखना है ताकि ये बहुत अच्छे से पूरा सिरप को एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद हम देखेंगे हमारे गुलाब जामुन कैसे बने हैं। 2 घंटे हो गए हमें गुलाब जामुन को सिरप में रखे हुए, आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे फूल गए हैं और ये डबल हो गए हैं अपने साइज़ से। बस अब इसे फ्रिज में हमें रखना है ताकि ये ठंडे हो जाए और फिर इसे हम सर्व करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।